अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। रचाकुंडा कमिश्नरेट हदूद में सीसीटीवी प्रोजेक्ट्स का आगाज। कमिश्नर रचाकुंडा पुलिस ने प्रोजेक्ट्स का किया इफ्तिताह। भोंगीर और आलेर में सख्त सिक्योरिटी का नज्म। लड़कियों और ख्वातीन को बाख्तियार बनाने की गरज से टू व्हीलर ट्रेनिंग का आगाज। लड़कियों और ख्वातीन में हेलमेट्स की गई तकसीम। कुतपेट में मकान से सरके की वारदात। 20 तोले तलाई जेवर और दीगर अशिया उड़ा ली गई। बालापुर पुलिस ने केस किया दर्ज। एसओटी माधोपुर और शमशाबाद की मुश्तरका कार्रवाई। क्रिकेट बेटिंग रैकेट में निकाब। 4 अफराद गिरफ्तार। 15,28,000 रुपए नकद रकम बरामद। डीसीपी माधोपुर की मीडिया कॉन्फ्रेंस। मजलिसी अरकान असेंबली की जानिब से तरक्याती कामों के आगाज का सिलसिला जारी। हुकूमती स्कीम के चेक्स की गई तकसीम। अब खबरें तफसील से। हैदराबाद सिटी पुलिस की तर्ज पर रचाकुंडा और साइबराबाद कमिश्नरेट हदूद में भी सीसीटीवी कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स का आगाज किया गया है। रचाकुंडा कमिश्नरेट हदूद के पुलिस स्टेशन भोनगीर और आलहीर में सीसीटीवी प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत ने भोनगीर हदूद में 100 कैमराज जुमला मालियती 32 लाख रुपये और आलहीर हदूद में 232 कैमराज मालियती 42 लाख रुपये नस्ब किए गए। यादागरी भोनगीर ज़िले में जुमला 17 पुलिस स्टेशन हदूद में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ, जबकि आलहीर मंडल में 14 देहातों को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। इस मौके पर रचाकुंडा के आला अहदेदारान भी मौजूद थे। लड़कियों और ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने की गर्ज से हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से कई इकदामात किए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत ट्रैफिक पुलिस की जानिब से वुमेन राइडिंग ट्रेनिंग का आगाज किया गया। इस ट्रेनिंग को हीरो होंडा कंपनी का इश्तराक हासिल है। लड़कियों और ख्वातीन को 8 हफ्तों के दौरान हफ्ते में 2 दिन टू व्हीलर चलाने की तरबियत दी जा रही है। ट्रेनिंग हासिल करने वाली लड़कियों और ख्वातीन में हेलमेट्स भी मुफ्त फरहाम की गई। जॉइंट सीपी ट्रैफिक डॉक्टर वी रविंदर ने इस ट्रेनिंग के बारे में मीडिया को तफसीलात बताई। తరుణి వాళ్ళు తర్వాత ఈ బైకర్ని వాళ్ళు ఇద్దరు కలిసి ఈ ఉమెన్ని ఇక్కడ రైడ్ టూ వీలర్స్ ఒక ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే ఈ 2 మంత్స్ 8 వీక్స్ ఎవ్రీ సాటర్డే సండే 2 అవర్స్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో అది ఈరోజు కంప్లీట్ సెర్మనీకి అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. దాదాపు 40 గర్ల్స్ ఉమెన్
ఈ ట్రైనింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేసినారు. వాళ్ళకి ఈ ట్రైనింగ్ స్కిల్స్, తర్వాత ఇందులో తర్వాత ట్రాఫిక్ రూల్స్, తర్వాత ఫస్ట్ ఎయిడ్ గురించి అపోలో వాళ్ళ సౌకర్యంతో ఇవన్నీ వాళ్ళకు కూడా చెప్పారు. कोतापेट में वाकई एक मकान में सरखी की वारदात पेश आई, जिसके दौरान 20 तोले तिलाई जेवर के अलावा दीगर अशिया का सरखा किया गया। मालिक मकान मोहम्मद खालिद के मुताबिक वो अपने अहले खाना के हमरा तकरीब में शिरकत की गर्ज से रात 9 बजे गए हुए थे कि वापसी पर उन्होंने देखा कि उनके मकान से सरखे की वारदात अंजाम दी गई है। मुतासरा मकान के अगवी हिस्से में एक और मकान की तामीर जारी है और पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि सारखीन ने इसी सिंध से मकान में दाखिल होकर सरखा अंजाम दिया। बालापुर पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया और मसरूफ तहकीकात है। हम लोग कल बल्लागढ़ा को शादी में गए थे सर, दोस्त के बहन की शादी थी। तो 9:15 को हम लोग यहाँ से गए सर, आए 11:15 को हम लोग वापस। हम लोग जैसा आते घर के कुफला मतलब अंदर से गेट बंद करके थे सर, हम लोग बंद कर दिए थे नीचे आके। ऊपर से हम लोग एंट्री करे सर, ऊपर घर के पीछे से कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन में है, तो वहाँ से आके अंदर से लॉक डाल देके, लॉक को खटके लगा देके अंदर चोरी कर लिया सर। मेन एंट्रेंस को छोड़ के सोना, एक 18-20 तोले सोना ले लिया सर, और 10,000 कैश लिए, और एक रैडो घड़ी थी, दो सेलफोना चोरी करे सर। खाली सोने पे टारगेट करे सर, कोई साड़ी वगैरह कुछ करे, कोई चीज़ को डिस्टर्ब नहीं करे सर। खाली लोग चांदी भी नहीं लिए, चांदी के साथ ही सोना था सर, लेकिन चांदी को नहीं लिए, खाली सोने को ही ले लेके चले। शरिया फैसला बोर्ड की जानिब से तीन तलाक बिल की पेशकशी पर शदीद एहतजाज दर्ज करवाते हुए दारुशफा जामा मस्जिद ता राजभवन एहतजाजी रैली निकालने का ऐलान किया गया था। इस सिलसिले के तहत निकाली जाने वाली पुरमन एहतजाजी रैली को पुलिस ने नाकाम बनाते हुए एहतजाजियों को हिरासत में ले लिया। इस एहतजाजी रैली की क़यादत मुश्ताक मलिक ने की, जबकि इस मौके पर मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी क़ायदीन भी मौजूद थे। एडिशनल DCP साउथ जोन गौस मोहिउद्दीन ने सिलसिले में मीडिया को तफसीलात बताई। एहतजाजियों को कंचनबाग पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। मुश्ताक मलिक, एक रैली ऑर्गेनाइज फ्रॉम दारुशफा ग्राउंड से राजभवन के लिए ऑर्गेनाइज किए गए, लेकिन उनको परमिशन नहीं है रैली का, और पूरे लोग वहाँ पे लास्ट टू डे से उन्होंने प्रोपेगंडा किया गया। थोड़े लोग वहाँ पे दारुशफा ग्राउंड में जमा हुए, हम बोले कि यहाँ पे जो भी प्रोग्राम है यहाँ पे ऑर्गेनाइज कीजिए, देर इज़ नो प्रॉब्लम बोल के हम बताए, लेकिन उन लोग रैली के लिए रेडी थे। सो दे उन लोग वहाँ से राजभवन के लिए जाना है हम रैली के लिए, और वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देना है, लेकिन वहाँ पे भी परमिशन नहीं है, लिहाजा वी आर उन्होंने जा रहे तो हम वी हैव टेकन इनटू कस्टडी, एक 25-30 मेंबर्स है, उन्होंने प्रोटेस्ट रैली परमिशन नहीं रहने से हम कस्टडी में लिए और प्रिवेंटिव कस्टडी लिए और उनको पुलिस स्टेशन भेजा गया। स्पेशल ऑपरेशन टीम माधवपुर और शमसाबाद ने मुश्तरक तौर पर कार्रवाई करते हुए क्रिकेट बैटिंग रैकेट को बेनकाब किया और चार अफराद को गिरफ्तार किया गया। DCP माधवपुर विश्व प्रसाद ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बताते हुए कहा कि प्रगति नगर साई बाबा मंदिर के करीब वाक़ लक्ष्मी निलायम प्लाट नंबर 346 से मस्कुरा रैकेट चलाया जा रहा था। गिरफ्तार शुदगान में जी रवि किरण, कोट्टी रेड्डी, जी
جی اپنا کے علاوہ اجے ریڈی شامل ہیں. مذکورہ ٹولی کے قبضے سے 1,28,460 روپیے نقد رقم کے علاوہ دیگر اشیاء بھی برآمد کی گئیں. اس ریاکٹ میں سرگرم ایک اور ملزم وینکی بابو مفرور بتایا گیا ہے. ఎన్ని సిమ్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి అందులో ఈ కమ్యూనికేటర్లో? ఎన్ని ఫోన్లు ఉన్నాయి? 26 ఫోన్లు ఉన్నాయి. అంటే సిమ్స్ ఉన్నాయి, రైట్? కంటిన్యూస్గా మీరు వచ్చిన సమాచారాన్ని వాళ్ళకి అందిస్తుంటారు. వాళ్ళకి మరి వాళ్ళు చెప్పింది ఆటోమేటిక్గా రికార్డ్ అవుతుంది. వాయిస్ ఇందులో ఆటోమేటిక్గా వాయిస్ రికార్డ్ అవుతుంది. అబ్బాయి వస్తుంది మీరు కల్ శ్యామ్ 4 బజే హమార స్పెషల్ ఆపరేషన్ టీమ్ సైబరాబాద్ కా ఉస్కో ఐఎస్ ఇన్ఫర్మేషన్ డిపార్ట్మెంట్ జరియే సే ఏక్ ఆర్గనైజ్డ్ ऑनलाइन क्रिकेट बेटिंग टीम पे रेड करके 4 लोगों को गिरफ्तार करा है. वो लोगों का नाम है कि रविकिरण रेड्डी, अजय रेड्डी, कोटि रेड्डी, अपन्ना. ये 4 लोग अभी बहुत दोस्त है, ये खास दोस्त है. ये पहला ये लोग गुंटूर में क्रिकेट बेटिंग में करते हुए पकड़ा गया है. वहाँ पकड़ने के बाद उसका मेन बुकी जो है वेंकी बाबू, वो उसका बेस वाइजा को शिफ्ट करा है. वहाँ जाने के बाद ये 4 लोग इधर आके एक पेंट हाउस रेंट पर लेके लास्ट 6 महीने से वो पेंट हाउस से क्रिकेट बैटिंग चला रहा है. कल ऑस्ट्रेलियन बिग बैश लीग मैच चल रहा था, उसी मैच के जरिए से लोग क्रिकेट बैटिंग करते वक्त हमारे लोग आईएसओ इन्फॉर्मेशन पे रेड करा. उन लोगों के पास ये 27 लाइन कम्युनिकेटर मॉडल के इक्विपमेंट और 3 लैपटॉप और एक टेलीविजन, एक आईपैड और 15.6 लाख कैश और 17 सेल फोन्स पूरा सीज करा गया है. अभी ये लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं. अभी इसमें से क्या है, पब्लिक लोग आप पुंटर्स को नंबर, इन लोगों का नंबर कम्युनिकेट कर रहे हैं. वो लोग से जो भी इससे फ़ोन करने के बाद वो लोग इस पर कैश डिपॉजिट करते हैं. जो भी जीतता है उससे उसको मनी क्रेडिट हो जाएगा. जो हारा जाता है वो पैसा इन लोगों को मिल जाएगा. उसमें 20% कमीशन इसको मिलेगा. 20% कमीशन लेके बाकी अमाउंट मेन बुकी जो है वेंकी बाबू को वो पैसे वो लोग ट्रांसफ़र करेंगे. उन लोगों का ये मोडस ऑपरेंडी है. अभी जो भी पुंटर्स है, जो भी बेट करा है, उन लोगों का इन्फॉर्मेशन भी हम बैंक का अकाउंट से जो कैसे किससे वो लोग पैसे ट्रांसफ़र करें उसका इन्फॉर्मेशन से उनका भी नाम निकाल के उन लोगों को भी इस केस में अरेस्ट करेंगे. تلنگانہ حکومت کی جانب سے غریب اور مستحق لڑکیوں کی شادی کے لیے شادی مبارک اور کلیانی لکشمی اسکیم کے ذریعے 75,000 روپیے امداد دینے کا سلسلہ جاری ہے. اس سلسلے کے تحت چار مینار، سعید آباد اور بلہ گڑہ منڈل کے تحت منظورہ شادی مبارک اور کلیانی لکشمی اسکیم کے چیکس کی تقسیم مجلسی رکن اسمبلی حلقہ یاخودپورہ ممتاز احمد خان کے ہاتھوں عمل میں آئے. جملہ 25 استفادہ کنندگان میں مذکورہ امدادی چیکس تقسیم کیے گئے. اس موقع پر مجلسی ڈویژن کارپوریٹرز واجد علی خان، مرزا ریاض الحسن آفندی، نسرین سلطانہ، مظفر حسین کے علاوہ سرگرم مجلسی کارکنان محمد باخر اور شیخ وحید و دیگر بھی موجود تھے. اسمبلی حلقہ یاخود پورے کے اندر شادی مبارک کے اور کلیانہ لکشمی منڈل کے سید آباد منڈل، چار مینار منڈل اور بنڈلہ گوڑا منڈل کی جانب سے 85 چیک تقسیم کیے گئے. اور الحمدللہ اس سے قبل بھی میں جہاں تک سمجھتا ہوں کوئی 6,000 سے زیادہ چیک تقسیم کیے گئے. میری عوام سے یہ گزارش ہے کہ حکومت کے جو بھی اسکیمات ہیں اس سے استفادہ حاصل کریے. اگر آپ کو کسی قسم کی اگر رکاوٹ ہو تو اس میں میں، ہمارے ساتھی کارپوریٹرز، ہمارے ابتدائی کے صدر و متمدین سے آپ ربط پیدا کر کے آپ کو جو بھی دشواری ہو رہی ہے وہ معلوم کریے. انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام ان دشواریوں کو دور کیا جائے گا. مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں رہ کر آج کام کرتے آ رہی ہے. مجلس اتحاد المسلمین صرف الیکٹریسٹی، واٹر ورکس یا ایم سی ایچ کے کاموں سے ہٹ کر بھی گورنمنٹ کے جو بھی پروگرامز ہیں، جو گورنمنٹ کے جو بھی اسکیمات ہیں، اس سے عوام کو استفادہ حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش کرتے آ رہی ہے. میری عوام سے یہ گزارش ہے کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین سے وابستہ رہیں. انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں کے اندر اور بھی جو بھی پروگرامز ہیں، آپ کے جو بھی مسائل ہیں،
उन मसाइल को आप हम तक रुजू करें, इंशाल्लाह आपके उन तकालीफ को, उन मसाइल को हल करने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। शुक्रिया। कुलहिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के अराकीन असेंबली की जानिब से मुतालिका हलखेजात में तरक्याती कामों को अंजाम देने का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असेंबली हलखे नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने विजयनगर डिवीजन के इलाके में नई सीवरेज लाइन के कामों का आगाज़ किया। मजलिसी रुकन असेंबली हलखे नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने अलसबा कैफेता वानी स्कूल नई सीवरेज लाइन के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुतालिका डिवीजन कॉर्पोरेटर्स के अलावा सरगरम मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह, नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टेंसी में विजयनगर कॉर्पोरेटर डिवीजन के अंदर एक सीवरेज लाइन का इनॉग्रेशन किया गया, जो एक जमाने से मसला चल रहा था, क्योंकि लेबर अड्डा विजयनगर कॉलोनी के जो सीवर लाइन जा रही थी वो काफ़ी पुरानी थी और घरों के नीचे आ गई थी, जिसमें हमेशा कंप्लेंट आ रहा था। तो आज उसके लिए एक डायवर्शन करके अलसबा मरजान होटल कने से लेते हुए लेबर अड्डे से फिरा के वाणी स्कूल तक ये लाइन लेके जा रहे हैं, जिससे मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। नकीबे मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में और हबीबे मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की खास क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आए दिन हमेशा डेवलपमेंट के काम करती है, जिसका ये भी एक सबूत है कि अल्लाह का करम है कि नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टेंसी के अंदर जितने भी डिवीज़न हैं, तमाम डिवीज़नों के अंदर तरक्याती काम हो रहे हैं। मेरे साथ आज जो मौजूद है विजयनगर कॉलोनी के नुमाइंदा कारपोरेटर जफर खान वसीम साहब, नुमाइंदा कारपोरेटर आसिफ नगर मोइन साहब, नुमाइंदा कारपोरेटर मल्लापल्ली इकबाल साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर तमाम के तमाम मौजूद थे, और मुझे उम्मीद है कि ये लाइन पड़ने के बाद ये एरिया में जो चौकेज का प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तेलंगाना तेलुगुदेशम दफ्तर में तेलंगाना सदर एल रमना की क़यादत में पार्टी क़ायदीन का अहम इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास में पार्टी के सीनियर क़ायदीन एम नरसिम्लू, आर चंद्रशेखर, रुकन असेंबली वेंकट वीरैया के अलावा दीगर भी मौजूद थे। बाद अज़ा एल रमना ने इजलास की रुदात बताते हुए कहा कि ज़िले और मंडल सतह पर तेलंगाना में तेलुगुदेशम को मजबूत करने की गर्ज से कई एक इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने TRS हुकूमत पर खीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि वो MRPS क़ायद मंदा कृष्णा मादिगा को हिरासा कर रहे हैं, जबकि वो जमहूरी तरीके से वो एहतजाज करना चाहते हैं। मन पार्टी अच्छी तरह राष्ट्र में अनेक मार्पल राज्य अभिवृद्धि विविध कार्यक्रम वीटारी मनन चुस्कने विधा स्वर्गीय एन रामाराव पार्टी स्थापित सिद्धांत అన్న ఎన్టీ రామారావు ఆశయాలను మన అధ్యక్షుల వారి యొక్క విధానపరమైన నిర్ణయాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లే విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత వచ్చినటువంటి తొలి ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారి యొక్క TRS ప్రభుత్వం చెప్పినటువంటి మాటలన్నీ ఇచ్చినటువంటి హామీలన్నిటి కూడా విస్మరిసి పరిపరుస్తున్నటువంటి పరిస్థితులలో వాటన్నింటినీ కూడా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లే విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడక ముందు 10 సంవత్సరాలు పరిపాలించినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ మరి పరిచినటువంటి పరిస్థితులలో స్కీమ్లన్నీ కూడా స్కామ్లైనటువంటి పరిస్థితులలో ఆనాడు ముఖ్యమంత్రిగా పెంచినటువంటి రాజశేఖర్ గారి కుటుంబం నేటి వరకు కూడా కోట్ల పొంటి తిరుగుతూ ED అటాచ్మెంట్లతో ఏ విధంగా అయితే ఆ ప్రభుత్వ పరిపాలన మనం చూసినామో ఆ 10 ఏళ్లలో ఉండేటువంటి మంత్రులు అనేక మంది కోట చుట్టూ తిరిగేటువంటి పరిస్థితి ఉందో వాటన్నిటిని కూడా సార్ ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లే విధంగా కార్యక్రమానికి రూపకల్పన చేసుకోవాలని చెప్పని నిర్ణయించుకోవడం ఆ నిర్ణయానికి అనుగుణంగా ఈరోజు మనం ఈ సమావేశం నిర్వహించుకుంటున్నాం. ఈ సమావేశంలో ప్రధానమైన ఉద్దేశం పల్లె పల్లెకు తెలుగుదేశం అని చెప్పని 2009 అసెంబ్లీ సాధారణ ఎన్నికలకు ముందు ఆనాడు మనం పల్లెనిద్ర పేరు మీద వెళ్ళినప్పుడు పెద్ద ఎత్తున ప్రజలందరూ కూడా ఆదరించినటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం. ఆనాడు ఉండేటువంటి పరిస్థితికి అనుగుణంగా మహాకూటమి ద్వారా మనం ఎన్నికల్లోకి వెళ్ళినాం. తెలంగాణ ప్రాంతంలో గణనీయమైనటువంటి ఫలితాలు సాధించుకున్నాం. वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है।
तेलंगाना कांग्रेस के लीडर रेवंत रेड्डी ने एक बार फिर रियासत के वजीर सेहत लक्ष्मा रेड्डी की तालीमी काबिलियत और उनकी डॉक्टरी के सर्टिफिकेट्स पर सवाल उठाए हैं। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि 2004 के इंतखाबात में लक्ष्मा रेड्डी ने इलेक्शन कमीशन को दिए गए अपने हलफनामे में दावा किया था कि उन्होंने 1987 में BHMS का कोर्स मुकम्मल किया था, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी से कोर्स मुकम्मल करने की बात कही गई है उसे 1990 में मंजूरी मिली थी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि होम्योपैथी डॉक्टर बनने के लिए दरकार सालों से ज़्यादा लक्ष्मा रेड्डी ने इम्तिहान कामयाब करने के लिए वक्त लिया। उन्होंने कहा कि कॉलेज के प्रिंसिपल संपत की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लक्ष्मा रेड्डी के डिग्री को लेकर जो शुभात हैं उसे तखवियत मिलती है और लक्ष्मा रेड्डी को इस मामले में वजाहत करनी चाहिए। बेगमपेट पुलिस ने मामूली चोरियां करने वाले एक शख्स और एक नाबालिग लड़के को हिरासत में लेते हुए उनके कब्जे से 2000 रुपये नकद रकम बरामद की। ACP बेगमपेट डिवीजन के मुताबिक 19 साल फ्रांसिस जेवेर का साकिन कारखाना सिकंदराबाद को नाबालिग लड़के के हमरा हिरासत में लिया गया। फ्रांसिस कम उम्र लड़के से दोस्ती करने के बाद उसे चोरी करने पर आमादा किया था और राहरों के कब्जे से 2000 रुपये उड़ा लिए गए थे। बेगमपेट पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया। दींट मुगर व्यक्त पागो दाटो मेजर अने व्यक्ति अरेस्टी कोर्ट रिमां फ्रांसिस जेवीरे अलियास दीप अने व्यक्ति कोर्ट रिमां मिगता इधर क्रिमिनल का बट्टी वाल प्रोड्यूस वीलू एमोमेंटे परेड ग्रउंड वेटा उ रात्रि कागने अगर परेड ग्रउंड फोन माटा वाकिंग से यूरनेटना वाली टारगेट वाल दर एंटे अभी वस्तु वस्तु बंगार बंगार डबूल डबूल गुंजुनी केसूर आ रोज 31 सायंत्र 5 की आनंद अने व्यक्ति प्रईवेट जॉबू अतु अलवा पोत मध्य फोन माटाता परेड ग्रउंड लाटता वीलिदर व्यक्ति इपड़ व्यक्ति तरह इधर फ्रेंड्स कल अतनी अतन दर 2000 रूपये गुंजुक पारक जी दीनों भाग में मैं डीएसई गार मैं इंस्पेक्टर गारू राबरी केस डिटेक्टने उदेश नेरस्थ लिस्ट सारी चक्मान आफीसर इंस्ट्रक्ष प्रकार चुस्ते वीलू पात केस अंत बेगमपेट लिमिट अभी परेड ग्रउंड एरिया 284 गन नंबर దాంట్లో కూడా ఈయన పాత నేరస్తుడిన పాత నేరస్తులు చెక్ చేస్తూ ఉంటే వీళ్ళని ఇంట్రాగేషన్ చేయడం జరిగింది। शमसाबाद में वाक़ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गैर कानूनी तौर पर स्मगल किए जा रहे सोने की जब्ती का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत कस्टम अहदेदारों ने सल्तनत ओमान के दारुल खिलाफा मस्कत से आने वाले एक मुसाफिर के कब्जे से तकरीबन 350 ग्राम तिलाई बिस्किट्स जब्त किए। मस्कुरा मुसाफिर जूते के मोजे में 3 तिलाई बिस्किट्स छुपा कर ला रहा था जिसकी जुमला मालियत 10 लाख रुपये बताई गई है। बाद अजा मुसाफिर को RGIA पुलिस के हवाले किया गया। खैरताबाद में वाक़ ज्वेलरी शोरूम में पेश आए एक हादसे के दौरान 70 साल शख्स लिफ्ट की जद में आकर फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक सूरज लक्ष्मी जैन ज्वेलरी शॉप में 70 साल रतनलाल अग्रवाल उस वक्त लिफ्ट की जद में आ गए जब वो सेकंड फ्लोर से नीचे आने के लिए तगोदू कर रहे थे। रतनलाल अग्रवाल अपनी अहलिया के हमरा ज्वेलरी शॉप में जेवर खरीदने के गर्ज से आए हुए थे। नीम गशी की हालत में उन्हें फौरी यशोदा हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया जहां उन्हें मुर्दा करार दिया गया। मस्कुरा हादसा CCTV कैमराज में कैद हो गए।
کوالٹی کونسل آف انڈیا اور وزارت داخلہ کی جانب سے کیے گئے ایک سروے میں ملک بھر کے پولیس اسٹیشنز کے منجملہ پنجا گٹہ پولیس اسٹیشن کو دوسرا مقام حاصل ہوا ہے۔ کونسل کی جانب سے مدھیہ پردیش میں منعقد کی گئی ایک تقریب میں سرکل انسپکٹر پنجا گٹہ ایس رویندر نے ٹرافی حاصل کی۔ اس تقریب میں ملک کی مختلف ریاستوں کے ڈی جی پیز بشمول ڈی جی پی تلنگانہ مہندر ریڈی بھی موجود تھے۔ مرکزی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے انعامات کی تقسیم عمل میں لائی۔ اس سروے میں کوئمبتور پولیس اسٹیشن کو پہلا مقام حاصل ہوا ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر، رچاکنڈا کمشنریٹ حدود میں سی سی ٹی وی پروجیکٹس کا آغاز۔ کمشنر رچاکنڈا پولیس نے پروجیکٹس کا کیا افتتاح۔ بھونگیر اور آلیر میں سخت سیکیورٹی کا نظم۔ لڑکیوں اور خواتین کو با اختیار بنانے کی غرض سے ٹو ویلر ٹریننگ کا آغاز۔ لڑکیوں اور خواتین میں ہیلمٹس کی گئی تقسیم۔ کتپیٹ میں مکان سے سرقے کی واردات، 20 تولے طلائی زیور اور دیگر اشیاء اڑا لی گئیں۔ بالا پور پولیس نے کیس کیا درج۔ ایس او ٹی مادھوپور اور شمشاباد کی مشترکہ کارروائی، کرکٹ بیٹنگ ریکٹ میں نقاب، 4 افراد گرفتار، 15,28,000 روپے نقد رقم برآمد۔ ڈی سی پی مادھوپور کی میڈیا کانفرنس۔ مجلسی اراکین اسمبلی کی جانب سے ترقیاتی کاموں کے آغاز کا سلسلہ جاری۔ حکومتی اسکیم کے چیکس کی گئی تقسیم۔ ناظرین، روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔